ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही है आकाशवाणी संवाददाता। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील एम रहेजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। मैं हूं चंद्रिका जोशी। समूचा विश्व कोविड 19 से प्रभावित है और अपने अपने स्तर पर इसका मुकाबला और तैयारियां सभी कर रहे हैं। हम भारतीय भी बहुत संयम के साथ काम कर रहे हैं। धैर्य का जिस तरह परिचय दिया है देशवासियों ने और जिस तरह सरकार के प्रयासों का पालन कर रहे हैं, निश्चय है उसकी तारीफ करनी होगी। लेकिन हमें अभी भी बहुत सावधान रहना है। अभी हम बीच रास्ते पर हैं क्योंकि अभी संवेदनशील स्थितियां हैं, लेकिन जागरूकतापूर्वक एहतियात बरतते हुए और बहुत गंभीरता से इन सबको समझने की जरूरत है कि क्या स्थितियां हैं, किस तरह के बीमारी है, किस तरह के उसके लक्षण हैं, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं और किस तरह से हम उसका मुकाबला करके स्वस्थ रह सकते हैं। देश, परिवार, समाज सब स्वस्थ रह सकता है। हालांकि सामुदायिक स्तर पर वायरस के संक्रमण के बढ़ने के प्रमाण न के बराबर हैं, लेकिन संक्रमण की पुष्टि के मामले जरूर बढ़े हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लगातार देश हित में जागरूकता के कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है और यहां हम आपके लिए हैं कि आप घर के भीतर रहकर सारी जानकारी ले सकें। और इसके लिए हमारे साथ इस समय वरिष्ठ चिकित्सक सुनील रहेजा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपके सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर सुनील रहेजा। तो कोई भी कोरोना से संबंधित कोई सवाल आपके मन में हो या कोई जानकारी आप चाह रहे हो तो हमें जरूर फोन करें। हमारे स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-115767 और एक और नंबर है 0112331444। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम श्रोताओं के सवाल लेना शुरू करें, जो हमने कहा कि संक्रमित मामलों की बढ़ोतरी में स्थिरता के शुरुआती रुख हैं, लेकिन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग यानी भीड़ से बचने की, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने की बार बार अपील की गई है, क्योंकि इससे सिर्फ संक्रमण प्रसार की समस्या से निपटने का ये एकमात्र माध्यम है। दूरी बरतकर ही इस संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं कि भाई हम जैसे गांव में दूर दराज के इलाकों में लोग हैं, वो कहते हैं कि क्या हमें जरूरी है मास्क पहनना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना? देखिए, जो मास्क है जी, ये एक जो हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल है, इंसान है, उसके लिए जरूरी नहीं है। सबसे जो जरूरी है सोशल कंटेनमेंट, सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन एंड कफ एटिकेट। अब इसमें हम कहते हैं कि जो मास्क है वो सिर्फ उसी व्यक्ति को पहनना है जिसको खांसी, जुकाम, बुखार या फ्लू लाइक सिम्टम है, ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना करे। क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति खांसी करेगा या छींकेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आप समझ सकते हैं प्रोजेक्टाइल की तरह से, बहुत तेजी से, जैसे हम खांसते हैं तो एकदम प्रोजेक्टाइल निकलता है मुंह से, तो वो दूर तक उसके ड्रॉपलेट जाते हैं। तो उसके आसपास यदि कोई व्यक्ति है जी, तो उसको वो इन्फेक्शन या संक्रमण कर सकता है। दूसरा, फिर ये जो ड्रॉपलेट है जहां भी गिरेंगे, सरफेस के ऊपर, टेबल टॉप पे या आपके कंप्यूटर पे, सेलफोन पे, फैब्रिक पे, कपड़े पे, सोफे पे, चेयर पे जी, तो वहां पे जो ये ड्रॉपलेट है इसके अंदर वायरस अगर है कोरोना का, अगर वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो जो भी व्यक्ति वहां पे आएगा, अगर उसने उस टेबल को छू लिया या उस कपड़े को और उसके बाद अपने आंख को, नाक को या मुंह में उस उंगली को लगा लिया, तो ये वायरस उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस वायरस का हमारे शरीर में प्रवेश द्वार
हमारा नाक मुंह जब हम सांस लेते हैं जी। या जब हम छूते हैं म्यूकोस जो आंखें हैं म्यूकोसल लाइनिंग है, जब तक ये वायरस हमारे स्किन के ऊपर है ये हमारे इंसुलेशन का काम करती है जो हमारी त्वचा है शरीर में एंटर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने उंगली को नाक में या आंख में या मुंह में लगाया, और ये देखा गया कि अक्सर हम दिन में कई बार ऐसा करते हैं जाने अनजाने, तो ये उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा। डॉक्टर साहब ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देते, सरफेस पर भी होते हैं। वायरस ऐसा है ना, ये ऐसा दुश्मन है जिसको हम देख नहीं सकते। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे हवा में भी फिर इसके जैसे ड्रॉपलेट्स हैं, तो उचित दूरी की बात मेरे ख्याल से इसीलिए की गई है कि एक मीटर का दूरी बना के रखना है। जी जी जो अगर इसीलिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अभी लॉकडाउन किया है पूरे देश में कि लोग घर में रहें और केवल घर में ही रहें। उसका ये वजह है यदि आप घर में रहेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, और यदि ये देखा गया है यदि किसी व्यक्ति को कोरोना से संक्रमण है और वो दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो 2.6% चांस है कि वो मतलब दो तीन व्यक्तियों को इन्फेक्शन पर पास ऑन कर देगा जी, और वो एक चेन की तरह बन जाएगा और वो एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। एक व्यक्ति ने किया तीन को, तीन ने किया नौ को, नौ ने किया 81 को, 81 × 81 फिर ऐसे मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो ये देखा गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल कर्व में, और हमें बाकी तीन हफ्ते के बाद इसका पीक आता है अगर हम अगर ये सब सावधानी नहीं इस्तेमाल करेंगे जी जी, तो तीन हफ्ते के बाद हमारा क्योंकि देश की आबादी है 130 करोड़, तो ये मरीजों की संख्या काफी हजारों या लाखों में जाने की आशंका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए इतना बड़ा एक डिसीजन लिया गया कि लॉकडाउन किया जाए, सोशल कंटेनमेंट, लोगों को घर में रहने को कहा जाए और सोशल डिस्टेंस, यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो दूर से नमस्कार करें, उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें ताकि यदि वो उसको इन्फेक्शन है कोरोना से तो वो आपकी तरफ ना आए, वो आप उससे प्रभावित ना हो। देखिए डॉक्टर साहब, क्योंकि ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से अगर संक्रमित है तो उसके लक्षण आने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं, एवरेज 5 डेज है। इसलिए हम कहते हैं 14 दिन आप क्वारंटाइन में रहें। क्वारंटाइन का मतलब है लोगों से अलग कमरे में रहना है, प्रेफरेबली यदि आपका अटैच बाथरूम है तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, ये होम क्वारंटाइन की बात भी आप कर रहे हैं ना कि अपने घर के अंदर ही, हाँ जी, अगर जैसे सर्दी जुकाम जैसे लक्षण दिखने लगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको ये बीमारी हो, लेकिन फिर भी ये है कि एक होम डिस्टेंस अपने घर के परिवारजनों से भी थोड़ा सा अलग। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये इस मौसम में, क्योंकि ये मौसम बदल रहा है आप देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है और बारिश भी हुई है अभी दिल्ली में भी बारिश हुई है दिल्ली में, तो इस समय वायरल फीवर जो नॉर्मल एक सीजनल फीवर होता है वायरल जिसको कहते हैं, और कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 या स्वाइन फ्लू जो पहले आया था इसके चांसेस बढ़ जाते हैं जी। खांसी जुकाम बुखार वैसे भी अधिक होता है इस मौसम में, तो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आया है वो हाई रिस्क ग्रुप में आता है, और ऐसे सभी व्यक्ति जो उसके कांटेक्ट में आए हैं, यदि किसी का घर का सदस्य बाहर से आया है विदेश यात्रा कर जाया है तो उसके घर के सभी सदस्य को क्वारंटाइन रखना पड़ेगा 2 हफ्ते तक, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुरू में हो सकता है कि बीमारी के लक्षण 2 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि यदि आपके अंदर आज वायरस गया है तो हो सकता है कि इसके लक्षण 5 दिन बाद आए, 7 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, 12 दिन बाद आए, 14 दिन आए, एवरेज ये टाइम है 5 दिन का। डॉक्टर साहब, हम इसका संक्रमण कैसे धीरे धीरे शरीर में फैलता है उस बारे में
भी बात करेंगे, क्योंकि आपने भी जैसा कहा कि एहतियाती उपाय सरकार बड़ी संख्या में कर रही है, पूरा प्रशासन देशभर में अलग अलग राज्यों में जुटा हुआ है, बावजूद इसके कि देश की बड़ी आबादी है और सरकार बहुत सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसमें घबराने या डरने जैसी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है सावधानी की, एहतियात की, जागरूकता की और संवेदनशीलता की। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी एक व्हाट्सएप नंबर के बारे में बताया कि और जानकारी आप ले सकते हैं। हम आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। कोरोना से संक्रमित दुनिया में 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। अगर आपके पास व्हाट्सएप की सुविधा है तो मैं एक नंबर लिखवाता हूं, लिख लीजिए 9013151515 पर आप व्हाट्सएप करके इस सेवा से जुड़ सकते हैं। देखिए नंबर है 9013151515 9013151515, ये नंबर है जिससे आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस सारे उसमें बहुत एक अच्छी बात कही कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सड़कों पे निकल आए या हम एक दूसरे से मिलने पहुंच जाए या ये देखने ही पहुंच जाए कि भाई कोई बाहर सड़क पे निकला है या नहीं निकला। तो इन सब ये जो हम एक आदतें हैं, इन आदतों पर नियंत्रण रखें। और जैसे कि मोदी जी ने आज लोक प्रसारक आकाशवाणी की विशेष भूमिका का भी जिक्र किया और रेडियो प्रसारकों से वे आज मिले और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए जो उन्होंने कार्य किया और एक तरह से ये कहा कि जो सूचनाओं का प्रसार है और सरकार के जो कदम हैं उनके बारे में श्रोताओं तक जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। और इसीलिए हम यहां हैं कि आप घर के अंदर बैठ करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे दो नंबर हैं, मैं एक बार फिर से दोहराऊं, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800115767, दूसरा हमारा नंबर है 0112331444। इन नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे जो जानकारी आप चाहते हैं वो जानकारी हम आपको इस वायरस और इस संक्रमण से जुड़ी हुई देंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील रहेजा हैं जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बड़े पंथ अस्पताल में, अच्छा दिल्ली के जीव पंथ अस्पताल में हैं। बड़े पैमाने पर सरकार जो काम कर रही है, तो हमारा आपका हम सबका एक कर्तव्य है कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, बीमारी से बचाव में सरकार के निर्देशों का पालन करें, प्रशासन से उसकी जानकारी लें, पुलिस का सहयोग करें और साथ में हम संवेदनशील बने, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा। ये नवरात्रि का जब प्रारंभ हुआ है तब अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर लें तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा। इसके अलावा आपके आसपास जो पशु है उनकी भी चिंता करनी है। लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने, जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें। देखिए जब कोई विपत्ति आती है तो वो हमको काफी कुछ सिखाती भी है, हम मिलकर डटकर मुकाबला करें और लेकिन पूरी सावधानी और पूरे एहतियात के साथ, ताकि हम अपने परिवार को, परिवार के हित में काम कर सकें और वो काम फिर समाज के हित में भी होगा, वही काम देश के हित में भी होगा। देश में कोविड 19 की पुष्टि वाले मामलों की संख्या इस समय 724 है, इसमें 47 विदेशी नागरिक हैं और 67 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है, 17 लोगों की मौत हुई है इसमें। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने यह बताया है कि देश में 26,798 लोगों के 27,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। सरकार ने 35 निजी प्रयोगशाला समूहों को कोरोना वायरस की जांच के लिए मंजूरी दी है। इसमें 121 सरकार
सरकारी प्रयोगशालाओं को भी जांच की अनुमति दी गई है और इनकी कुल क्षमता पर डे प्रतिदिन 12,000 नमूनों की जांच करने की है। तो इस तरह से व्यापक तौर पर जो काम किया जा रहा है उसमें डॉक्टर साहब अभी हम जो बात कर रहे थे संक्रमण जब होता है तो 14 दिन बाद पता चलता है। लेकिन नहीं नहीं मैंने बताया कि उसको 14 दिन होने के 2 से 14 दिन के अंदर तो ये संक्रमण जैसे मान लीजिए कोई मैक्सिमम 14 डेज है जी सबसे पहले ये असर कहाँ कम से कम 2 दिन है एवरेज 5 या 6 दिन में पता लगता है किसी भी व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार सिर में दर्द उसके लक्षण सामने आने होना सांस में तकलीफ होना गंभीर अवस्था में ये लक्षण एवरेज जो टाइम है वो है 5 से 6 दिन। और ऐसा देखा गया है कि जो ये लक्षण है जो हाई रिस्क ग्रुप है हमारा जैसे कि 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है कार्डियक प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर हाई रहता है हाइपरटेंसिव है डायबिटीज है जिसको मधुमेह कहते हैं कैंसर के मरीज ब्लड कैंसर के मरीज रिनल ट्रांसप्लांट के मरीज जो स्टीरॉयड्स ले रहे हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं गर्भवती महिलाएं या जिनको रेस्पिरेटरी डिसीजेज है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज स्मोकर्स या जिनको एस्थमा है या छोटे बच्चे जो हैं ये ऐसा ग्रुप है जिसमें कि पहली बात है ये वायरस अधिक जल्दी प्रभाव करता है ऐसे व्यक्ति को यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसको कोरोना का वायरस इसमें है तो उसको संक्रमण होने के चांसेस अधिक हैं और यदि वो इन्फेक्शन होता है तो उसके जो लक्षण भी गंभीर होंगे हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्ति को और उसका जो ओवरऑल आउटकम है वो भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे जरूरी बात है कि हम सोशल कंटेनमेंट करें घर में रहें और केवल घर में ही रहें जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और यदि किसी से बहुत जरूरी है अगर आपने बात करना भी है तो कम से कम 1 मीटर का दूरी बना के रखें और कफ एटिकेट्स का इस्तेमाल करें यहाँ वहाँ ना थूकें यहाँ वहाँ बलगम ना फेंकें क्योंकि ये वायरस जहाँ भी पड़ेगा वहाँ कई घंटों तक ये रह सकता है और इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है और हाथ धोते रहें सबसे जरूरी बात है हैंड हाइजीन और ये इस पे काफी स्टडीज आ चुकी हैं कि हैंड हाइजीन का इसमें जो बार बार हम साबुन से हाथ धोने की बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि आपको कम से कम एक उसकी विधि है जब आप साबुन से साफ पानी से हाथ धोते हैं उसके कुछ 8 स्टेप हैं और उसमें कम से कम आपको 20 सेकंड का समय लगाना चाहिए 20 सेकंड। उसकी रीजन ये है कि जब आप साबुन लगाएंगे हाथ की हथेली पे उसको गोल गोल घुमाएंगे फिर बैक ऑफ दी हैंड से उंगलियों के अंदर उंगलियां डाल के इंटरलेस करते हुए साफ करेंगे हाथ को फिर दूसरे हाथ को साफ करेंगे इंटरलेस करते हुए बैक साइड के हैं हाथ को पूरा पीछे से फिर आगे से उंगलियों को आपस में क्रॉस इंटरलेस करते हुए साफ करेंगे उसके बाद अंगूठे को और बीच का जो हिस्सा है उसको रगड़ के साफ करेंगे और जो उंगलियों के नाखून हैं या टिप ऑफ दी फिंगर्स हैं उंगलियों की उसको हथेलियों पे आगे पीछे गोल गोल घुमाएंगे दाएं हाथ की उंगली को बाएं हाथ की हथेली पे बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की हथेली पे तो फिर पूरे हाथ को अच्छे से रगड़ते हुए साफ करते हुए इसमें कम से कम हमें 20 सेकंड का समय लगाना है जी। हाथ में पूरा झाग बनना चाहिए और ये आपकी जो कलाई है वहां तक हाथ को पूरा साफ करना है आपने और साफ जल से हाथ धोने हैं। इसके जरिए आप 99% से भी अधिक कीटाणु अपने हाथ से हटा सकते हैं और जरूरी है कि इससे हम सिर्फ कोरोना की बीमारी से तो बचेंगे ही लेकिन इसके अलावा बहुत सी बीमारियां जैसे कि सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 है वायरल इन्फेक्शन है साधारण सर्दी जुकाम है या कुछ एक बीमारियां जैसे कि लूज मोशन होना डायरिया होना उल्टी होना टाइफाइड पीलिया हेपेटाइटिस एंडी इनसे भी हमारी मतलब बचाव होगा। तो हाथ धोना तो कहते हैं ना एक आदत ऐसा कार्य है कि हमें वैसे रूटीन में भी करना चाहिए हमें हैंड हाइजीन कफ एटिकेट सफाई का ध्यान एक हमारी जो साधारण जिंदगी है रोजमर्रा की जिंदगी इस बात का तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए लेकिन इस समय इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कोरोना के जो रोग है उसको फैलाने में
एंड जो हाथ हैं वो उनका बहुत अहम रोल है। जैसे मैंने बताया कि कोरोना का अगर कहीं भी अगर वायरस है, ये हमें समझना है कि जब तक वो वायरस हमारे शरीर के बाहर है वो एक अलाइव नहीं है। ये बैक्टीरिया जैसे लाइव होता है, वो मल्टीप्लाई करता है, वायरस में ये गुण नहीं है। अच्छा, ये शरीर में आने के बाद एक्टिव होता है। वायरस का जो आरएनए है या डीएनए, हाँ जी, जेनेटिक मटेरियल, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और जब ये वायरस हमारे शरीर के लंग्स की जो सेल्स हैं, म्यूकोजल लाइनिंग है उसकी जो सेल्स हैं, उसके अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ ये सेल के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में, दो तीन चार पांच दिन में, ये इतने ज्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई कर जाते हैं वायरस, जिससे कि उस व्यक्ति में कोरोना के जो बुखार है, बीमारी है, उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बुखार आना इसमें सबसे आवश्यक माना जाता है। बुखार का आना, सिर में दर्द होना, खांसी, जुकाम, पहली पहचान, नजला, और डॉक्टर साहब हमारे साथ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है जी। हमारे साथ एक श्रोता है, नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको हार्ट की जो पेरिकार्डाइटिस है, हार्ट पे भी असर कर सकता है, और शरीर के हर एक जो वाइटल ऑर्गन है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, उसको कर सकता है। एआरडीएस कर सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें कि हमारा जो लंग्स हैं उसमें निमोनिया जैसे कंसोलिडेशन बन जाता है, और सांस लेने में, ऑक्सीजन पहुंचने में शरीर में तकलीफ होती है, जो कि एक गंभीर अवस्था मानी जाती है। डॉक्टर साहब एक श्रोता है, इनका सवाल लेते हैं। बुलंदशहर से इंद्रवीर है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, सबसे पहले आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत बधाई जो ऐसे दुर्गम समय में कोरोना के विषय में बता रही है। जी बहुत शुक्रिया। अब मेरा सवाल है कि कोरोना के जो प्रथम लक्षण अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्हें प्रकट होने में काफी समय लगता है, और दो से चौदह दिन लग सकते हैं एवरेज, पांच से छह दिन, क्योंकि जब ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद लक्षण आते हैं। जी जी, इंद्रवीर जी बोलिए। हाँ, दो से चौदह दिन का समय लगता है इसमें पता लगने में। डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि किसी के जैसे बॉडी की अगर इम्यून रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है तो उसको और समय भी लग सकता है इस लक्षण को सामने आने। जो हमने देखा है अक्सर मैक्सिमम टाइम 14 दिन है अधिकतर मरीजों में। अच्छा, तो इसलिए हम रिकमेंड यही करते हैं कि 14 डेज आप 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रहें जी। और ये अच्छी बात है, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो नेचुरल सी बात है कि आपको इसका प्रभाव कम होगा। इसलिए हम ये भी हिदायत दे रहे हैं कि इस समय आप खाना अच्छा खाएं, बैलेंस्ड खाना खाएं, इसमें सब्जियां, हरी सब्जियां, फल अधिक खाएं, नींद पूरी लें, अगले अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। एक और श्रोता हमारे साथ सवाल लेकर जुड़े हैं, वीर सिंह यादव दिल्ली से। वीर सिंह जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे मन में ना दो प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ पूछिए। एक तो मान लीजिए, चलिए ये कोरोना 19 चल रहा है, तो मैम ये मतलब ये पैदा कैसे हुआ है, तो है ना। तो दूसरी चीज मैडम, ये जैसे 21 दिन का जो प्रतिबंध लगाया है हमारे मोदी जी ने, तो इसकी गारंटी क्या है मैम कि मतलब 21 दिन के बाद कोरोना 19 खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम डॉक्टर, हाँ, आपके दोनों प्रश्न, पहला है कि ये वायरस पैदा कैसे हुआ? कोरोना का वायरस है ये, मतलब जो हमने डेटा आज के समय उपलब्ध है उसके अनुसार चीन में एक प्रोविंस है वुहान, वहां का जो मीट मार्केट है, ये कोरोना का कई प्रकार के वायरस हैं, और ये कोरोना कोविड-19 है, ये वहां पे जो बैट्स होते हैं या स्नेक होते हैं, ऐसा मतलब स्टडीज के अनुसार है कि उसके अंदर एक वायरस के अंदर एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता है, जिससे कि उसका जेनेटिक करेक्टर चेंज हो जाता है, तो उससे वो इंसान को उसने प्रभावित किया, जो कच्चा मीट का जो मार्केट है, जब उसके कॉन्टेक्ट में वहां के जो लोकल रहने वाले व्यक्ति हैं वो आए, उसके जरिए ये उनके शरीर में प्रवेश कर गया, और उसके बाद इसका जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है एक से दूसरे व्यक्ति में, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता चला गया। और आपने पीछे खबरों में पढ़ा भी होगा कि ये वुहान चाइना में सबसे शुरू हुआ,
और वहां पे काफी अधिक संख्या में इससे लोग प्रभावित हुए, मरीज हुए, वहां कुछ मौतें मतलब डेथ भी हुई पेशेंट की काफी की, और चाइना ने युद्ध स्तर पे इसका पूरा मुकाबला किया। और ये मैं इसमें सबसे अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इसको बहुत सीरियसली लिया। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने 8 जनवरी को ही इसका मुआयना शुरू कर दिया, और हमारा दिल्ली में 17 जनवरी को पहला एक मीटिंग हुआ भारतीय सरकार के साथ सभी का। तो उसके जरिए भारत ने इसके मतलब बहुत शुरू में इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया। हालांकि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको उसने बाद में पेंडेमिक घोषित किया। पेंडेमिक वो बीमारी होती है जो 5 महाद्वीपों से अधिक में चली जाए। तो भारत सरकार तो इसके लिए बहुत शुरू से ही सक्रिय रही, और ये उसी का ये कहते हैं नतीजा है कि भारत में इसके अभी इतने अधिक मरीज नहीं हुए। नहीं तो आप उसके बाद देखिए इटली में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ, वो तो इतने विकसित देश हैं। उसके बाद अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, तो भारत की जो आबादी है उनसे कई गुना अधिक है। और भारत में हम इसलिए अभी तक इसको रोकने में सक्षम रहे हैं कि हमारी जो सरकार है उसने शुरू में ही कदम उठाए और लोगों को जागरूक किया, सावधानियां शुरू कर दी। और इसीलिए ये जो अभी लॉकडाउन लगाया गया है, जैसे मैंने बताया कि ये एक बिल्कुल आजमाया हुआ, कहते हैं ना इट इज ए प्रूवन मेथड कि सोशल कंटेनमेंट, सोशल डिस्टेंस, कि घर में रहना और दूसरों से दूरी बनाए रखना। और जैसा कि इन्होंने पूछा कि 21 दिन इस तरीके से रोकने में कामयाब रहे हैं, और यदि कोई भी बीमारी इस तरह से नया, क्योंकि नोवल वायरस है, नया वायरस है, तो जितने भी हम भारतीय वासी हैं इसमें किसी के अंदर भी इसके लिए इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिस व्यक्ति में भी जाएगा उसको ये प्रभावित करेगा। झारखंड और ये देखा गया कि ऐसे जब भी कोई नोवल वायरस आता है तो एक होता है एपिडेमियोलॉजिकल कर्व, इसमें कहते हैं कि कैसे इसका फैलेगा सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी में। तो इसका जो पीक आता है वो 3 हफ्ते में आता है अगर हम ध्यान ना रखें। तो काफी एक्सपर्ट से डिस्कशन हुआ है इसके बारे में, इसीलिए पूरा मतलब इसके बाद 3 हफ्ते का फैसला लिया गया कि ये तो 3 हफ्ते का तो मिनिमम कम से कम लॉकडाउन करना आवश्यक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ झारखंड से श्रोता हैं आशीष तिवारी, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। आशीष जी बोलिए। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, हमारा ये सवाल है कि अगर किसी भी रोगी को कैसे कोरोना हुआ है तो उससे उसका फर्स्ट स्टेज में कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आपका ये है, देखिए इस समय खांसी जुकाम बुखार वायरल फीवर सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 कोरोना, सबसे ज्यादा हम पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हाई सस्पेक्ट पेशेंट कौन से हैं, हाई सस्पेक्ट कौन से व्यक्ति हैं जिनको कोरोना होने का चांस है। यदि कोई व्यक्ति विदेश से आया है भाई है उसमें चांसेस ज्यादा है। दूसरे जो हाई सस्पेक्ट व्यक्ति हैं जिनमें होने का चांस है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और वो व्यक्ति में कोरोना का वायरस पॉजिटिव पाया गया। तीसरे सस्पेक्ट हैं जो उनके आगे कॉन्टेक्ट में आ गए। तो इसके लिए पूरी हमने डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की पूरी ट्रेनिंग कराई है और उसको हमको बताया गया कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि लक्षण आने में समय लगता है, लेकिन उससे पहले भी वो व्यक्ति इन्फेक्शन को या कोरोना के वायरस को किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति बाजार में गया है, लोगों से मिक्स हुआ है, सोशल गैदरिंग में गया और उसने वहां पे ये लोगों को अनजाने ये वायरस पास ऑन कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, तो वो व्यक्ति आगे किसी और से मिलेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से वायरस का फैलाव होता है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, घर में रहें, घर में रहें और केवल घर में रहें जी, ताकि जाने अनजाने यदि आपको इन्फेक्शन है तो आप आगे ना फैलाएं। क्योंकि तो देखा गया यदि 100 व्यक्ति कोरोना के इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होंगे तो उसमें से 80% ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें हल्का खांसी जुकाम बुखार आएगा और वो लक्षण सेटल हो जाएंगे। दिल्ली से व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें की गंभीर लक्षण आएंगे,
तेज बुखार, खांसी जुकाम, बुखार, नजला और सांस लेने में तकलीफ, और उनको अस्पताल में रहना पड़ेगा। और इसमें से 5% ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिटिकली सीक होंगे, जिनको कि इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए, वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों में देखा गया कि 86% व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। तो ये जरूरी है कि हम इसको पहली एहतियात रखें, एहतियात रखें और डॉक्टर साहब घर में भी आप स्वयं भी अपना बुखार देख सकते हैं, जो एक सामान्य चेकअप के लिए है उसके लिए अस्पतालों पर भी लोग बोझ ना बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, सबसे जरूरी है। हाँ जी, हमारे साथ एक श्रोता हैं दिल्ली से, सुरजीत हैं फोन लाइन पर। सुरजीत जी अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जोशी। नमस्कार मैडम, गुलाबी बाग से सुरजीत बोल रहा हूँ जी, स्वागत है, बोलिए। मैडम ये जैसे मतलब ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में इतनी गर्मी पड़ती है तो वहाँ भी ये फैल गया है वायरस, और आप मतलब डॉक्टर का कहना है, सभी लोगों का कहना है कि गर्मी में ये कम हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ कैसे फैल गया? मतलब वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती, 50-60 तापमान होता है वहाँ तो। यानी मौसम इस संक्रमण को फैलाने या रोकने में कितनी भूमिका अदा कर सकता है? तापमान जी, यही आप जानना चाहते हैं डॉक्टर। हाँ ये, हाँ जी, जो सबसे जरूरी है, जो इस समय का मौसम है, बसंत का मौसम सुहावना है, जैसे हमें अच्छा लग रहा है वैसे वायरस को भी बहुत अच्छा लगता है। ये 25-30 डिग्री टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अच्छी होना, तो ये जो एनवायरनमेंट है आज के समय, ये बिल्कुल वायरल फ्रेंडली है, मतलब वायरस को फैलने में मददगार होगा, क्योंकि ये एक नोवल वायरस है, नोवल मतलब नया किस्म का वायरस है, तो इसके विषय में भी ज्यादा जानकारी एक ना कि रिसर्च अभी हुआ नहीं, अभी इस पे अंदर रिसर्च चल रहा है। और ये जैसे आपने बताया कि ईरान में, इराक में जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां ये इस वायरस का संक्रमण चल रहा है, हो रहा है, तो दैट मीन्स ये वायरस जरूरी नहीं है कि गर्मी आने पे कम हो जाएगा, इसलिए ये लॉकडाउन किया गया एज ए प्रिकॉशन कि हम इसको शुरू के चरण में बीमारी को रोक लें जी। तो ये कि काफी एक्सपर्ट्स के मतलब द्वारा जो एक राय, उनका परामर्श है, उनकी ओपिनियन है, और डॉक्टर इतना बड़ा फैसला लिया गया है, यही तो ये जरूरी है कि हम सब इसका सहयोग करें जी, इसका पालन करें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने मोहल्ले को, समाज को, अपने जो सोसाइटी है उसको सुरक्षित रखें, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने देश को। और देखिए इसमें सब हर एक देशवासी का योगदान है, हर एक भारतवासी का योगदान है, जो देश का जिम्मेदार नागरिक है हर किसी का, और जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा जब इस तरह की कोई महामारी आती है, जब इस तरह की कोई विपत्ति आती है, तो उस समय हर किसी को आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि नोवल वायरस है, उसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं जी, तो संयम और दवाई भी नहीं है क्योंकि नया वायरस है, तो इसलिए मालूम नहीं है कि कौन सा दवाई ज्यादा कारगर होगा। डेफिनेट दवाई को अप्रूव होने में कुछ महीने लग सकते हैं या साल लग सकता है, क्योंकि यदि कोई भी दवाई अगर हम देखते हैं मेडिसिन वायरल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वो स्टेज 2, 3, 4, 5 ऐसे क्लिनिकल ट्रायल हमारे साथ पाई जाती है। बहुत दूर से हम एक श्रोता जुड़े हैं, डोडा जम्मू कश्मीर से हैं जीत सिंह हमारे साथ। जीत सिंह जी आपका स्वागत है, बोलिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, जीत सिंह जी का संपर्क हमारे से टूट गया है, फोन लाइन कट गई है, अभी आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं जीत सिंह जी। डॉक्टर साहब आप दवा की बात कर रहे थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो इसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवा घोषित किया है और इसकी बिक्री को नियंत्रित करने संबंधी अधिसूचना भी जारी हो गई है, इसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बात से वो लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि कोविड-19 की जो महामारी है इसकी आपात आवश्यकताओं को देखते हुए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को जनहित में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जी हाँ, इसको जनहित में HCQ-400 जी हाँ जी हाँ हाँ जी, तो इसको भी एक आवश्यक औषधि घोषित किया है सरकार ने। हाँ देखिए, ये देखा गया जैसे अमेरिका के अंदर USFDA ने ये जो वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर हैं जो कि ऐसे पेशेंट का इलाज कर रहे हैं क्योंकि वो हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते जी हैं जी, आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना से संक्रमित पेशेंट है
और जो डॉक्टर उनके इलाज कर रहे हैं, जो नर्सिस या पैरामेडिकल हाँ जी उनका इलाज कर रहे हैं, वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 400 मिलीग्राम की टेबलेट पहले दिन सुबह शाम खानी होती है और उसके बाद हर हफ्ते 400 मिलीग्राम खानी होती है। तो ये डॉक्टर ये जो है ये डॉक्टरी परामर्श पर ही ये दवा लेनी होती है। ये सबसे जरूरी है बात है कि आप ये दवा डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें, क्योंकि इस दवा का भी साइड इफेक्ट है। हाँ जी, ये हार्ट के अंदर QTC को बढ़ाता है, इंटरवेल्स को अरिदमिया करता है जी जी, और हाइपोग्लाइसीमिया करता है डायबिटिक्स में, पर्टिकुलरली जो कार्डियक पेशेंट हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जो एल्डरली व्यक्ति जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से इस दवा को न ले डॉक्टर के परामर्श के बाद ही, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स किसी के भी शरीर पर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप को अगर सस्पेक्टेड कोरोना है, बुखार है, कोरोना की बीमारी, कोरोना वायरस से प्रभावित होने का आशंका है, ओवर दी काउंटर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो सबसे पहले देखा गया है कि कोरोना का जो प्रभावित व्यक्ति है, यदि वो कुछ एक दवा जैसे कि इबुप्रोफेन खाता है तो उससे उसको अधिक नुकसान हो सकता है। ये फ्रांस की स्टडी आई है। अच्छा, और इसलिए आपको जरूरी है कि आप को यदि ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सरकार के द्वारा इसके लिए डॉक्टर्स का परामर्श, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और जो अभी हमने व्हाट्सएप नंबर भी एक बताया था। हाँ जी, और हेल्पलाइन नंबर भी है जी। हेल्पलाइन नंबर है 1075 जो कि टोल फ्री है। हाँ, इसको तो याद कर लीजिए 1075। और दूसरा है 011 जी 2397 8046 जी। ये दो नंबर है तो 8046 इनकी नंबर सरकार का भी है 2207145। तो जरूरी है यदि आपको इसमें 24 घंटे एक टोल फ्री लाइन खुली हुई है तो यू हेल्प अस टू हेल्प यू जी। तमिलनाडु से हमारे श्रोता जानकी राम हमारे साथ है फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, मैं जानकी राम बोल रहा हूँ हॉस्पिटल तमिलनाडु से। जी, स्वागत है। मेरा प्रश्न माननीय विशेषज्ञों कोरोना वायरस विशेषज्ञों से ऐसा है कि क्या, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से बहुत अन्याय कर रहे हैं, प्रकृति के ऊपर पाप हो रहे हैं, इसके वजह से क्या, और परमाणु टेस्ट होता है, एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, इसके वजह से क्या कुछ कोरोना वायरस हो सकता है क्या? अच्छा, ये इनकी आशंका। देखिए, ऐसा कोई कहीं किसी स्टडी अभी तक इसके विषय में कोई स्टडी नहीं आई है। और हम हमेशा कहते हैं कि जो आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन है ये एविडेंस बेस्ड है। हम तो सिर्फ वही बात आपको बताएंगे जिसका हमारे पास प्रमाण है जी। तो इसके विषय में अभी कोई ऐसी स्टडीज नहीं आई है कि न्यूक्लियर का इस पे कोई इफेक्ट है। और दूसरी बात जो आपने बताया कि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि बी नेचुरल, लिव नेचुरल, स्टे नेचुरल एंड कीप कनेक्टेड टू द नेचर, डोंट डैमेज द नेचर। तो प्रकृति को सुरक्षित रखना हमारा सबका कर्तव्य है, ये हमारी एक संपदा है और हम सबको प्रकृति का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमें प्रकृति के साथ ही रहना है। और जैसे जैसे हमारे आने वाले जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं या उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमें जरूरी है कि जो हमारी जो प्रकृति है उसको स्वच्छ रखें, नेचुरल रखें, बचा के रखें। जी हाँ जी, बहुत जरूरी है ये सारी बातें। और अभी जब अनुसंधान इस पर रिसर्च होगा तभी ये पता लग पाएगा कि ये जो वायरस है ये किन परिस्थितियों में या किन स्थितियों में कमजोर हो सकता है। जैसे कि हमारे एक श्रोता ने पहले भी ये पूछा था कि तापमान ज्यादा होने से क्या ये वायरस का असर कम होगा, या कौन सा मौसम अनुकूल है इस वायरस के लिए जो ये संक्रमित होता है, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अभी ये सब बहुत गहरे सवाल हैं जिन पर अनुसंधान किया जाएगा, क्योंकि ये अचानक से आई हुई चीज है, अचानक से कुछ ही महीनों के भीतर ये पूरे विश्व में फैल गई और इसका एकमात्र कारण ये था आपसी संपर्क, एक
दूसरे से एक दूसरे को संक्रमण होना, इसीलिए इससे घबराने डरने की भय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है अपने संयम की, जरूरत है आत्मनियंत्रण की, जरूरत है सावधानी बरतने की, एहतियात बरतने की। और हमारे साथ हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, गौरव। गौरव जी बोलिए। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कोरोना वायरस है इसके बारे में कोई दवाई बनी है या किस तरीके से बचाव करा जा सकता है? देखिए, इसके लिए अभी कोई डेफिनेट दवा नहीं है, लेकिन हम जो दूसरे देशों में पाया गया, यूएसए में कुछ एक दवाइयाँ जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन है, और क्योंकि इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो एचआईवी के वायरस से काफी मिलता है, तो कुछ एक दवा जो हम एचआईवी में यूज करते हैं उनको भी पेशेंट्स को दिया गया है। लेकिन ये बताना चाहूंगा मैं कि कोई भी दवाई यदि हम अप्रूव करते हैं तो उसको हम स्टेज 2, 3, 4, 5 क्लिनिकल रैंडम डबल ब्लाइंड ट्रायल्स करते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि ये दवा के जरिए इसमें हमें फायदा अधिक हुआ मरीजों को देने से, क्योंकि हर एक दवा का साइड इफेक्ट भी है। आपको मैं बताना चाहूंगा, क्लिनिकल जो ट्रायल होता है उसमें हम एक आपको मैं एग्जांपल के सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोरोना से प्रभावित 2000 पेशेंट्स हैं, 1000 पेशेंट को हमने ये दवाई दी और 1000 पेशेंट को हमने ऐसी गोली दी जिसमें दवा नहीं थी, प्लेसिबो था, फिर हमने उन दोनों को कंपेयर किया और देखा कि यदि पहले जिन पेशेंट्स को हमने दवा दी 1000 पेशेंट को, उनका रिजल्ट कैसा रहा, उनको फायदा हुआ या उनके साइड इफेक्ट अधिक हुए, तो यदि इसमें हम वैल्यू निकालते हैं पी की, अगर उस ग्रुप में पेशेंट को ज्यादा फायदा हुआ, वो जल्दी ठीक हुए, उनके अंदर मोर्टेलिटी कम हुई और लक्षण भी गंभीर नहीं हुए, वो दवा कारगर है। अगर ऐसा नहीं होता तो दवा कारगर नहीं है। तो इसके लिए कुछ महीने लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। इसी प्रकार वैक्सीन डेवलप होने में टाइम लगता है, वो भी हम फील्ड ट्रायल करते हैं, उसके लिए पूरा एक कानून की प्रक्रिया है जी स्वास्थ्य मंत्रालय की। अगर उसमें वो पाया जाता है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है तो उसको अप्रूव किया जाता है, फिर उसकी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। ऐसा ही दवा के साथ है, जब कोई मॉलिक्यूल हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल फायदा करेगा तो उसके लिए कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद वो मार्केट में आप मार्केट कर सकते हैं कमर्शियल यूज के लिए। जी, तो इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, समय लगेगा। लेकिन उस दौरान हम समय हाँ, है इससे बचाव, उस दौरान एहतियात ही काम आएगा। आपको इस समय बचाव की तरफ ज्यादा सोचना है। हाँ, जैसे हम बता रहे हैं सोशल कंटेनमेंट, घर में रहें, केवल घर में रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, किस करना, हग करना, शेक हैंड करना, इससे वायरस ज्यादा फैलेगा। तो दूसरा जो उसको स्प्रेड का है, तो डोर हैंडल, कंप्यूटर, सेलफोन सबसे जरूरी, सेलफोन शेयर ना करें जी। आपका पेन, पेंसिल, टेलीफोन, टेबल टॉप, तो कोई भी सरफेस ऐसा जिसमें कि ये वायरस काफी समय तक रह सकता है। ये भी देखा गया है कि ये वायरस यदि किसी व्यक्ति ने जिसको कोरोना का इन्फेक्शन है उसने कहीं खांसी किया और वहां ये वायरस जमा हो गया या उसके हाथ के जरिए चला गया, तो मेटल या प्लास्टिक के ऊपर ये काफी समय तक रहता है, एक्टिव रहता है। और यदि उस जगह को कोई स्वस्थ व्यक्ति छुएगा अपने हाथ से या उंगली से, वो उंगली अपने नाक में, मुंह में या आंख में लगाएगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट है हमारी शरीर के अंदर वायरस के। सबसे जरूरी बात हमें समझना है कि हमारे शरीर में जाने के एंट्री पॉइंट ही नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता इंतजार कर रहे हैं, पहले इनका सवाल भी ले लेते हैं जी। गोंडा, यदि हम इतना प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। गोंडा उत्तर प्रदेश से अनुभव मिश्रा हमारे साथ हैं। हेलो अनुभव जी। हेलो जी। हेलो, हाँ यस सर, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, हम बैतपुर माफी इटिया तो गोंडा जिला से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर। हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ बता रहे हैं कि ये वायरस हवा से ही फैलने लगा है, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल, हवा से तो सबसे पहला कॉमन है। जैसे मैंने बताया, यदि किसी व्यक्ति को कोरोना का वायरस है, वो उससे संक्रमित है, तो उसके सांस के जरिए या ये वायरस हवा के अंदर जाएगा ड्रॉपलेट में या उसके छींकने से, खांसने से,
वो काफी दूर तक जाएगा और काफी अधिक मात्रा में वायरस निकलेगा। इसलिए एक मीटर, यदि उस समय कोई व्यक्ति उसके साथ है और एक मीटर गहरे के अंदर है तो सांस के जरिए ड्रॉपलेट के एरोसोल के जरिए ये उस व्यक्ति के लंग्स में प्रवेश कर जाएगा और उस समय काफी मतलब ये देखा गया कि ये एरोसोल के जरिए काफी समय तक सस्पेंड करता है एयर के अंदर वायरस जो है। तो इसलिए हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस बना के रखें, एक मीटर दूर रहें दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि एक मीटर तक के यदि किसी को संक्रमण है कोरोना का और दूसरा व्यक्ति उसके एक मीटर के दायरे में है तो उसके सांस के जरिए उसके अंदर सांस के जरिए उसके लंग्स में एयरवेज के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये तो सबसे मतलब इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि घर में रहें और सोशल दूरी डिस्टेंस बना के रखें, एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम एक मीटर की दूरी रखें, दूर से ही नमस्कार करें, जो हमारा भारतीय पद्धति है नमस्कार करने की उसी को अपनाएं। डॉक्टर साहब ये भी कहा गया है गले ना मिलें, किसिंग हगिंग ना करें। जी डॉक्टर साहब ये बालों में क्या ये वायरस चिपक सकता है? यदि किसी ने आपके बाल के ऊपर खांस दिया है तो वायरस में आ जाएगा। ठीक है, ग्वालियर से डॉक्टर साहब नरेश हैं हमारे साथ, हमारे श्रोता सवाल लेके। नरेश जी पूछिए। हेलो जी। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, मेरी ओर से आपको और डॉक्टर साहब को दोनों को बधाइयां। नमस्कार। हाँ सर मेरा एक प्रश्न है, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर गांव बड़ागाम से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ये मेरा प्रश्न ये है कि गांव में 10-10 20-20 लोग इकट्ठे बैठते हैं, इस पर मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से दोनों से माफी मांग रहा हूँ कि इन पर रोक लगाई जाए और इनको घर से बाहर निकलने नहीं जाए और इसके क्या लक्षण होते हैं और मुंह पे इसको मास्क लगा के इसकी बीमारी का कम संभव है लगना। सबसे जरूरी बात है बार बार पूरे देश में हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, घर के अंदर रहें और कम से कम दूसरे व्यक्ति से एक मीटर की दूरी बना के रखें। अगर मजबूरी है जी, अगर गांव में कहीं बैठे भी हैं तो दूर दूर होके ही बैठे। हाँ जी हाँ जी। और आप किसी जिस गांव में हैं अगर वहां पे ऐसा हो रहा है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1075 पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ ये नंबर के द्वारा ही सरकार एक्शन लेगी, उसका एक पूरी प्रक्रिया है, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जी वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे या वहां के जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलियंस और डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सर्विलियंस ऑफिसर हैं वो उस पर एक्शन लेंगे। और सबसे जरूरी बात है यदि किसी को खांसी जुकाम या बुखार है इस समय तो ऐसे व्यक्ति को जरूरी है कि घर पर ही रहे, वो किसी और व्यक्ति से ना मिले, किसी और को वो संक्रमण ना दे। और ये दो नंबर है जिले के स्वास्थ्य केंद्र जाके दो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, ये मैं सभी श्रोताओं से कहूंगी कि ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें 1075 1075 और दूसरा नंबर है 0112397804646। ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नंबर है। 0112 अगर 1075 भी करेंगे ना तो भी आपका कॉल वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक 1075 याद रखें मैडम। जी जी, सबको ये आप बता दीजिए, 1075 सेंट्रलाइज नंबर है हमारा कॉल। हाँ जी, ये केंद्रीय 24x7 खुला है ये। हाँ हाँ, ये 24 घंटे। ईमेल भी है जी, आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी, कुछ भी आपको कोई शिकायत है या क्वेरी है। ईमेल है ncovi जी 2019@gov.in। ठीक है, ncovi2019@gov.in इस पर आप ईमेल। दूसरा है ncovi हाँ जी 2019@gmail.com। ठीक है, तो ये दो ईमेल है, इस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हाँ, आप अपनी शिकायत भी भेज सकते हैं। शिकायत भी भेज सकते हैं, छोटा जी हाँ, ऐसा ऐसा है जी, तो आप इस पर मेल कर दीजिए। हाँ, और घर पर ही रहिए, जैसे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि घर पर रहिए, घर पर रहिए और सिर्फ घर पर रहिए। और एक अच्छी घोषणा जो आज सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने की है कि जनता ने मांग की थी घर पर रहने के लिए, उनको कुछ मनोरंजन का साधन, कुछ ज्ञानवर्धक चीजें चाहिए, तो दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर रामायण धारावाहिक का प्रसारण शुरू होगा कल से फिर से, और ये प्रसारण सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और दूसरी बार रात को 9 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। और डीडी भारती पर महाभारत के 2 शो होंगे, दिन में 12 बजे और शाम को 7 बजे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील रहेजा जी हमारे साथ थे जानकारी देने के लिए, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद।
कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी और हमारे साथ थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील एम रहेजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।